हेलो फ्रेंड्स आई एम आरशी फातमा सो लास्ट लेक्चर में एसिड एंड बेसिस के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए थे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं सो so, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे अगर आपको और वीडियो देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और अगर आपको नोट्स के रिक्वायरमेंट है नोट्स डाउनलोड करने हैं तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आप जाके विजिट कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सो सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक सॉल्ट क्या होता है सॉल्ट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड क्या होता है दे आर न्यूट्रल कंपाउंड मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन विच इज़ कॉल्ड एज कट आयन एंड निगेटिवली चार्ज आयन विच इज़ कॉल्ड एज अन आयन मीन्स जो आयनिक कंपाउंड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन से बने होते हैं और साथ ही साथ निगेटिवली चार्ज आयन से बने होते हैं ठीक इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि मान लीजिए ये एन एस सी एल है ठीक इसमें जो एन ए होगा ये है पॉजिटिवली चार्ज आयन और सी एल जो होगा वो निगेटिवली चार्ज आयन होगा ठीक तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं आयनिक कंपाउंड बोलते हैं ओके okay? तो सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस, सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनाए जाते हैं अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है ये इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फिर भी एक बार यहाँ देख लेते हैं क्या होता है जब कोई एसिड एंड बेस दोनों रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं क्योंकि जो एसिड और बेस होते हैं ये दोनों ये दोनों रिएक्शन करके एक दूसरे की एसिडिक प्रॉपर्टी एंड बेसिक प्रॉपर्टी को फिनिश कर देते हैं ओके okay. इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं यहाँ पे एक रिएक्शन है ठीक इसमें एसिड प्लस बेस ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर ओके जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है सॉल्ट के एन एस सी सी एल एन एस सी एल जो होगा ये होगा सोडियम क्लोराइड सी एस सी एल जो है कैल्शियम uh, क्लोराइड ओके, okay. नेक्स्ट है केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट सॉल्ट से हम कुछ केमिकल प्रिपेयर करते हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है ठीक है तो इसमें पहला क्या है फर्स्ट वन इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड सेकेंड ब्लीचिंग पाउडर थर्ड है बेकिंग सोडा फोर्थ वन वॉशिंग सोडा एंड फिफ्थ वन इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस ओके okay, ये सारे केमिकल्स जो होते हैं वो सॉल्ट का यूज़ करके इन्हें प्रिपेयर करते हैं तो इन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे इनके इनका प्रिपरेशन कैसे होता है और इनके यूज़ कैसे होते हैं डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे ओके okay, तो इसमें सबसे पहला आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है एन और इसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है ठीक है ये कैसे प्रिपेयर होता है इसका देख लेते हैं व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू एन एक्स सोलूशन ऑफ एन एल इट डिकम्पोज टू फॉर्म एन एच ठीक मतलब जब एन ए सी एल के एक्स सोलूशन यानी कि एन सी एल और वाटर के साथ जो इसका सोलूशन होता है उसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी पास कराएंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है ठीक है जैसे यहाँ पर रिएक्शन के साथ पढ़ते हैं ये है यहाँ पर क्या है एन ए सी एल प्लस वाटर यानि कि क्या हो गया ये क्या है एक्वा सोलूशन बन गया जब ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी uh, जब इसको देंगे पास कराएंगे तो ये तीन अलग अलग इसमें डिकम्पोज हो जाएंगे ठीक तो एन ए ओ एच टू एन एच प्लस सी एल टू प्लस हाइड्रोजन गैस ओके ये जो क्लोरीन गैस है ये कहाँ पे रिलीज़ होगी ये रिलीज़ होगी एनोड पर और ये हाइड्रोजन गैस है ये रिलीज होगी कैथोड पे, ओके okay? और ये जो एन है ये कहाँ कहाँ प्रिपेयर होगा ये प्रिपेयर होगा कैथोड पर जहाँ से हाइड्रोजन गैस जहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ यूजेस देख लेते हैं इसमें है पहला पहला पॉइंट है इट इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ जो होता है वो सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए भी बनाने के लिए होता है सेकेंड है इट इज़ यूज इन पेपर मैनुफैक्चर मीन्स इसका यूज़ पेपर के मैनुफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ होता है थर्ड है इट इज़ यूज इन ऑयल रिफाइनिंग ऑयल रिफ़ाइनिंग जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन करने में पेट्रोल अलग डीजल अलग और भी अलग अलग चीज़ें जो भी होती हैं क्रूड ऑयल में उसको रिफ़ाइन करने में इसका यूज़ किया जाता है फोर्थ है इट इज़ यूज इन पी वी सी मैनुफैक्चर पी वी सी मैनुफेक्चर मीन्स जो पी वी सी पाइप्स और पी वी सी प्लास्टिक होता है इसकी मैनुफैक्चरिंग में भी एन एच का यूज़ किया जाता है लास्ट है ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड मीन्स जो भी पौधे में आ, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए एज अ पेस्टिसाइड भी एन एच का यूज़ किया जाता है नाउ सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सी ए ओ सी एल टू ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है चलिए देखते हैं इट इज़ प्रोड्यूस बाई एक्शन ऑफ क्लोरिन ऑन ड्राई स्लेक लाइम मीन्स कि जब स्लेक लाइम ये जो है कैल्शियम सी ए ओ टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है स्लेक लाइम जब स्लेक लाइम में सी एल टू गैस को पास कराई जाती है तो हमें मिलता है सी ए ओ सी एल टू जो कि होता है ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर ठीक जब स्लेक लाइम को स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो हमें मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर अब ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं इसका यूज़ कैसे है और कहाँ होता है इसमें पहला है ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्रीज मीन्स जो कपड़े की इंडस्ट्रीज होती है कॉटन और लिनन को ब्लीचिंग करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है सेकेंड है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज वुड पल्प यानी जो लकड़ी होती है जिसे पेपर बनाया जाता है उसके पल्प को ब्लीच यानी कि साफ़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है थर्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री मीन्स जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है लास्ट है फोर्थ वन है डिसनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर मीन्स जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है ना नेक्स्ट है बेकिंग सोडा ओके इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 इसे किस तरह प्रिपेयर किया जाता है इसमें क्या होता है NaCl प्लस वाटर प्लस सी ओ टू प्लस एन एच फोर मीन्स एन ए सी एल सोडियम क्लोराइड प्लस एच टू ओ यानी वाटर सी ओ टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड एन एच फोर जो कि होता है अमोनिया इन चारों को एक साथ रिएक्शन कर कराते हैं और ये हमें देता है ये है एन एच फोर अमोनियम क्लोराइड प्लस एन ए एच सी थ्री जो होता है बेकिंग सोडा ठीक है जब एन ए सी एल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इन चारों का रिएक्शन कराते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड देता है और साथ में बेकिंग सोडा मिलता है ओके okay. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं पहला है इट इज़ माइल्ड नॉन क्रोसिव बेस मीन्स ये माइल्ड यानी कि सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा और नॉन क्रोसिव कि लंबे टाइम तक चलता है ख़राब नहीं होता नेक्स्ट है वेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग जब इसे कुकिंग के दौरान हीट किया जाता है तो ये हमें क्या देता है देखते हैं ठीक है जब बेकिंग सोडा को हम कुकिंग के दौरान हीट करेंगे तो ये हमें क्या देगा ये रहा हमारा बेकिंग सोडा एन इसे जब हम हीट करेंगे ठीक तो ये तीन अलग अलग सबस्टेंस में डिकम्पोज हो जाएगा किस में किस में एन ए टू सी ओ थ्री जो होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस एस टू ओ वाटर प्लस सी ओ टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड ओके बेकिंग सोडा को जब हीट देंगे तो ये तीन अलग अलग सबस्टेंस में डिकम्पोज हो जाएगा और ये जो सी ओ टू होता है ये ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है तो सबसे पहले हम बेकिंग बेकिंग सोडा के यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं बेकिंग सोडा के यूज में सबसे पहला पॉइंट है एन इंग्रेडिएंट एंड एसिड ओके जो एंट एसिड होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट की तरह इसका यूज़ किया जाता है एंट एसिड वो होते हैं जब किसी को एसिडिटी होती है तो एंट एसिड उसे रिलीफ देने के लिए यूज़ किया जाता है तो इसमें एंड एसिड में बेकिंग सोडा होता है ठीक यानी कि जो कॉमनली किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो प्रेफर करते हैं ठीक है तो आप ये कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा इनों में यूज़ किया जाता है ओके नेक्स्ट है यूज इन फायर एक्सटिंगशर ये जो जो फायर एक्सटिंगशर होते हैं जिनसे आग बुझाई जाती है उनमें भी इसका यानी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है और इनमें क्या होता है सीओ टू गैस होती है जो आग को मतलब आसानी से बुझा सकती है ये सीओ टू गैस जो होती है ये वाली सीओ टू गैस जो होती है सॉरी सीओ टू गैस जो होती है ये फायर एक्सटिंगशन में होती है और ये आग को क्या करती है बहुत इजीली आसानी से बुझा बुझा सकती है ओके okay? नेक्स्ट है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर ठीक अब बेकिंग सोडा का जो यूज़ होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी किया जाता है कैसे इसमें क्या होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड दोनों मिल करके क्या बनाते हैं बेकिंग पाउडर बनाते हैं अब बेकिंग पाउडर का यूज़ कैसे होता है कहाँ होता है यूज इन ब्रेड्स एंड केक ठीक बेकिंग पाउडर जो होता है उसका यूज़ होता है ब्रेड्स एंड केक में ठीक ये क्या करता है ये इन दोनों को ब्रेड्स और केक को क्या बनाता है सॉफ्ट बनाता है एंड स्पॉन्जी बनाता है ठीक है और ये स्पॉन्जी किसकी वजह से बनता है ये बनता है सी ओ टू सी ओ टू की वजह से ठीक है बिकॉज ऑफ सी ओ टू तो इस तरह सी ओ टू का इम्पोर्टेंट यहाँ पे है सी ओ टू जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा सो वॉशिंग सोडा इसका केमिकल फार्मूला होता है एन ए टू सी ओ थ्री टेन टू ओ ठीक है और इसका केमिकल नेम अगर हम बोलेंगे तो क्या कहेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ओके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट डेका का मतलब होता है टेन और हाइड्रेट का मीन्स होता है वाटर ठीक है टेन डेका बोलें क्योंकि इसमें टेन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है ठीक इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है देखते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री वॉशिंग सोडा ठीक ये देखिए इसका रिएक्शन के साथ इसे पढ़ते हैं समझते हैं ओके ये ये है सोडियम कार्बोनेट प्लस टेन ऑफ़ वाटर यानी टेन एच टू ओ ये क्या देगा हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि जो सी ओ टू एन एन ए टू सी ओ थ्री होते हैं इनकी दोबारा से वाटर ऐड किया जाता है इसमें और इनकी दोबारा से क्या बनाए जाते हैं क्रिस्टल बनाए जाते हैं जब इसमें दोबारा वाटर ऐड कराएँगे तो इसमें टेन ऑफ वाटर आ जाते हैं और ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ओके सोडियम ये है सोडियम कार्बोनेट ठीक इसमें टेन ऑफ वाटर ऐड कराएंगे और इनकी दोबारा से क्या बनाएंगे री क्रिस्टलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल बनाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा एन ए टू सी ओ थ्री टेन टू ओ जो कि है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ना ये क्या है इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट ये सॉल्ट होता है लेकिन किस तरह का किस नेचर का होता है बेसिक बेसिक नेचर का होता है ठीक है अब इनके यूजेस पढ़ लेते हैं वॉशिंग सोडा के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं नाम से ही पता चल रहा है कि वॉशिंग में ही इनका यूज़ किया जाता होगा ठीक है तो सबसे पहला है इट इज़ यूज इन ग्लास सोप्स एंड पेपर इंडस्ट्रीज मीन्स ग्लास इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज़ में ग्लास की सफ़ाई के लिए सोप इंडस्ट्री में सोप बनाने के लिए और पेपर इंडस्ट्रीज़ में पेपर की सफाई के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता Second point है सेकेंड पॉइंट है मैनुफैक्चर ऑफ बोरेक्स बोरेक्स के मैनुफैक्चरिंग में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है बोरेक्स क्या होता है इट इज़ अ पाउडरी वाइट सबस्टेंस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बोरेट ठीक है वाइट कलर का पाउडरी सबस्टेंस होता है जिसे सोडियम बोरेट भी कहते हैं एंड इट इज़ यूज एज अ हाउस होल्ड क्लीनर इसे घर की साफ सफाई के लिए यूज़ किया जाता है और ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोरॉन सोडियम एंड ऑक्सीजन ठीक है बोरेक्स जो होता बोर, बोरेक्स जो होता है ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है नेक्स्ट है क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस मीन्स घर की साफ़ सफाई में बर्तन या कपड़े धोने में भी वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है फोर्थ है रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है फिफ्थ वन है प्लास्टर ऑफ पैरिस ठीक इसका केमिकल फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला होता है सी ए एस ओ फोर हाफ टू ओ ठीक और केमिकल नेम हम इसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट मतलब हेमी का मतलब होता है हाफ और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर ठीक है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ओके इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है देखते हैं वैन हीटिंग जिप्सम ठीक ये जिप्सम जो है जिप्सम व्हेन हीटिंग जिप्सम जिप्सम क्या होता है ये एक हार्ड सबस्टेंस होता है जो सीमेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है ठीक है ये जो ये जो होता है ये बहुत जल्दी सूख जाता है और हार्ड हो जाता है जैसे सीमेंट में जैसे सीमेंट हो जाते हैं ठीक है तो सीमेंट में जिप्सम का यूज़ किया जाता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है दन सी एस ओ फो सी एस ओ फोर टू टू ठीक है वैन हीटिंग जिप्सम

ठीक है तो जब जिप्सम को जब हम हीट uh, करेंगे तो इसमें से वन एंड हाफ वाटर क्या हो जाएगा लूज कर जाएगा ठीक है वन एंड हाफ वाटर लूज कर जाएगा और क्या बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पैरिस यानी पीओपी बन जाएगा ठीक है और नेक्स्ट क्या है आगे इट इज़ अ वाइट पाउडर इट इज अ वाइट पाउडर ऑन ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम जिप्सम ठीक है और ये जो प्लास्टर ऑफ पैरिस होता है जब इसको हम इसमें हम वाटर दोबारा से ऐड कर देंगे तो ये वापस से क्या बन जाता है जिप्सम बन जाता है ठीक है रिएक्शन के साथ समझते हैं ये रहा ये रहा सी एस ओ फोर हाफ़ एस टू ओ जो कि क्या है पी ओ पी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है और इसमें वन एंड हाफ़ यानी वन एंड हाफ़ वाटर हम लोग मिलाएंगे क्योंकि जिप्सम में कितना मॉलिक्यूल होता है टू मॉलिक्यूल होता है तो हाफ यहाँ पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस में और वन एंड हाफ यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं तो दोनों मिला के कितना बना रहा है टू मॉलिक्यूल बना रहा है ठीक है तो ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे सी एस ओ फोर टू एस टू वापस से जिप्सम मिल जिप्सम बना देगा ठीक है प्लास्टर ऑफ पैरिस में जब हम हाफ़ एंड वन एंड हाफ़ वाटर ऐड करेंगे हा वन एंड हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो ये बना देगा जिप्सम ठीक है अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं सो so, पी का पहला यूज है डॉक्टर यूजिंग इट टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन मीन्स कि जो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पी का यानी प्लास्टर ऑफ पैरिस का यूज़ किया जाता है सेकेंड है फॉर मेकिंग टॉयज़ डेकोरेशन मटेरियल मीन्स के जो टॉयज़ होते हैं कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं जो प्लास्टर ऑफ पैरिस से बने होते हैं यानी कि वाइट कलर के होते हैं जिनके ऊपर पेंट किया जाता है ठीक है तो ऐसे टॉयज़ को बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पैरिस का यूज़ किया जाता है और लास्ट है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ मीन्स कोई दीवार वगैरह जो होती है स्मूथ उसको करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है सो दैट्स ऑल दिस चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट इज ओवर नाउ आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे एंड इफ यू वांट मोर वीडियोज़ डू चेक आवर प्ले लिस्ट लिंक विच इज गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग